नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज है 9 जून, तो आज हम डिस्कस करेंगे 9 जून 2018 के कुछ इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट्स। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूँ कि जो इस समय यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसीज आई हुई हैं तो उनसे संबंधित प्रिपरेशन हमारे चैनल पर कराई जा रही है। मैंने इसके लिए एक स्टडी प्लान भी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है और उस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग टाइम टेबल के हिसाब से जो हमारा डे बाय डे जो भी स्टडी प्लान वहाँ पर मैंने अपलोड किया है उस स्टडी प्लान के तहत हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो वो जो स्टडी प्लान है उससे संबंधित जो वीडियोस हैं आपको 11 से 12 बजे के बीच अपलोड कर दिए जाते हैं हमारे चैनल पर। और जो डेली करंट अफेयर सीरीज़ है ये हमेशा कंटिन्यू चलती रहेगी। ये हमारे आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीपीसीएल का हो या UPSSSC को हो या बैंक का हो, कोई भी एग्ज़ाम, सब में डेली करंट अफेयर्स तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आप बस हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को एंजॉय करते रहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आपका आज का जो डेली जीके करंट अफेयर्स है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो है, हाल ही में कौन सा प्रदेश खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त किया घोषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने कहा है कि राज्य अब ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी कि ODF ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच से मुक्त है। ठीक है, क्योंकि उसने 2.77 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। चित्तूर जिले में पायात्रा कर रहे नायडू ने इस उपलब्धि की घोषणा सम्मान सहित तिरुपत में एक पट्टिका का अनावरण करके की। ठीक है, तो दोस्तों जो ये आंध्र प्रदेश है ये भी खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया, ऐसा जो है अनाउंसमेंट वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो हमारा यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने नदी के किनारे अपरदन की जाँच के लिए 107 करोड़ रुपये के निवेश का फैसला किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पर थोड़ा सा आपको आंसर यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आपको यहाँ पर गलत प्रिंट हो गए हैं, तो इनको मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। इनमें आप ऑप्शन कर लीजिए, यहाँ पर पंजाब कर लीजिए, पहला ऑप्शन आप पंजाब कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हरियाणा कर लीजिए, ठीक है हरियाणा कर लीजिए, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं पश्चिम बंगाल, ठीक है बंगाल, और इस तरह से चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं मान लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये सारे गलत हैं, ये थोड़ा सा मैंने टाइप यहाँ पर नहीं किया है, गलत हो गया है। तो दोस्तों हाल ही में जो किस प्रदेश सरकार ने नदी के किनारे अपरदन की जांच के लिए 107 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला लिया है, तो दोस्तों अभी हाल ही में ऐसा पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो मैंने 3 भी बताया आपको पश्चिम बंगाल, तो आप याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने गंगा और पद्मा के किनारे कमजोर इलाकों में अपरदन की जाँच के लिए 107 करोड़ रुपये निवेश करने का फैसला किया है। ठीक है, अपरदन को रोकने के लिए 15 किलोमीटर के एक मार्ग को ठोस बनाया जाएगा, काम अगले साल मार्च तक शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मजबूत धाराओं में बहने वाले भारत बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल चौकी की करीब सैकड़ों घरों और नदी के तटों की रक्षा करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है पश्चिम बंगाल की, तो जो पश्चिम बंगाल के इस समय मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी, और जो वहाँ के राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं तो वो हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। और दोस्तों जो पश्चिम बंगाल है इसकी जो राजधानी है वो है कोलकाता। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो ये है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को BCCI वार्षिक समारोह में क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो विराट कोहली हैं इनसे आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, इनको भी हाल ही में BCCI वार्षिक समारोह में क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी मैं दे दूँ, जो हमारे क्रिकेट टीम के कप्तान हैं विराट कोहली, इनकी असाधारण बल्लेबाजी 2 सत्र के लिए BCCI का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट पुरस्कार प्राप्त किया है, जबकि विश्व कप के सितारों में हरमनप्रीत कौर और इस्मत मंडाना को समकक्ष महिलाओं के सम्मान के लिए चुना गया है। पिछले 2 सत्रों में अपने अभूतपूर्व सूख के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को 12 जून 2018 को बेंगलुरु में होने वाले BCCI पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी 2016-17 और 2017-18 के लिए प्रतिष्ठित पोली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर जो ये पुरस्कार है इनको विराट कोहली को ये 2 सत्रों के लिए दिया जाएगा बीसीसीआई के द्वारा, जो कि 2016 सत्र के लिए और 2017-18 सत्र के लिए। और ये जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है पोली उमरीगर पुरस्कार, इससे इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है तो वो है, हाल ही में जनरल राजेंद्र छेत्री भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं, या किस देश के सेना प्रमुख हैं? तो दोस्तों जो जनरल राजेंद्र छेत्री हैं ये नेपाल के सेना प्रमुख हैं और ये हाल ही में भी भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी दूँ, जो नेपाल के सेना अध्यक्ष जनरल राजेंद्र छेत्री हैं ये भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं और यह जनरल बिपिन रावत के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं और देहरादून में भारत भारतीय सैन्य अकादमी में चीफ रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में जनरल छेत्री अधिकारी कैडेट से पासिंग आउट परेड में भाग लेंगे। ठीक है, अपनी यात्रा के दौरान जनरल छेत्री जो हैं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात भी करेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बात की गई है नेपाल की, तो थोड़ा सा नेपाल के बारे में भी जानकारी दे दूँ। तो जो नेपाल के इस समय प्रधानमंत्री हुए खड़क प्रसाद शर्मा ओली, और जो नेपाल के इसमें नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं खड़क प्रसाद ओली, और जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्यादेवी भंडारी, और जो नेपाल का मुद्रा है वो है रुपया, और जो नेपाल की राजधानी आती है तो वो है काठमांडू। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, तो वो है, खेल मंत्रालय ने हाल ही में मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन के ऊपरी संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीतने पर पेंशन की मौजूदा पेंशन की दर कितने गुना कर दी गई है? तो दोस्तों इसकी जो दर है ये 2 गुना कर दी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा 1 सही हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बता दूं कि जो युवा मामलों और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, इन्होंने मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन के ऊपरी संशोधन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और इस संशोधन के तहत अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीतने पर पेंशन की मौजूदा पेंशन की दर 2 गुनी कर दी गई है। ठीक है, और पेंशन के ऊपरी संशोधन के बाद ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेलों में पदक विजेता को 20,000 रुपये मिलेंगे, जबकि विश्व कप और विश्व चैंपियन ओलंपिक और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 16,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस पॉइंट से संबंधित। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमारा निकल कर आ रहा है, तो वो है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने यूजी पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम को ख़त्म कर दिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश सरकार है इसने यूजी पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम यानी कि सेमेस्टर जो प्रणाली है उसको ख़त्म कर दिया है और जो अपनी पुरानी प्रणाली यानी कि वार्षिक एग्ज़ाम प्रणाली में वापस आने का फैसला किया है। ठीक है, तो जो हिमाचल प्रदेश सरकार है इसने रूसा राष्ट्रीय उच्चांतर शिक्षा अभियान, ठीक है क्या, राष्ट्रीय उच्चांतर शिक्षा अभियान की समीक्षा करने के लिए पूर्व वाइस चांसलर ने एक समीक्षा समिति की स्थापना की थी और उन्होंने वार्षिक परीक्षा प्रणाली में वापस लौटने की सिफारिश 2013 में राज्य में रूसा पेश किया था सिफारिश की थी और 2013 में राज्य में रूसा को पेश किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो जो हिमाचल प्रदेश है इसकी राजधानी है शिमला और यहाँ के जो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं तो वो हैं जयराम ठाकुर। ठीक है, और जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं तो वो हैं आचार्य देवव्रत। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, तो वो है, किस प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है? कौन सा पोर्टल? बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है किस प्रदेश सरकार द्वारा? तो दोस्तों ये जो बिजनेस फर्स्ट पोर्टल है ये अभी हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, पंजाब सरकार द्वारा बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा बिजनेस फर्स्ट पोर्टल के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो जो पंजाब में है इसको में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, तो ये बिजनेस फर्स्ट पोर्टल किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है? व्यवसाय में बढ़ावा देने के लिए बिजनेस फर्स्ट पोर्टल पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च करके एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसका जो अनावरण है ये जलंधर में उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने किया है। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल उद्योगपतियों की विनियामक निकासी और वित्तीय स्वीकृति के लिए एक ही मंच पर एप्लीकेशन की रियल टाइम ट्रेडिंग को सुविधाजनक बनाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पंजाब की, तो जो पंजाब के इस समय मुख्यमंत्री हैं वो हैं कप्तान अमरिंदर सिंह और इसमें जो पंजाब के राज्यपाल है वो हैं विजेंद्र पाल सिंह। और दोस्तों यहाँ पर जो पंजाब की राजधानी है तो वो है चंडीगढ़, जो कि हरियाणा की भी राजधानी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 8 जो हमारा निकल कर आता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है?
तो दोस्तों जो ये विश्व महासागर दिवस है ये 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। तो थोड़ा सा जानकारी दे दूँ कि प्रत्येक वर्ष 8 जून को हम सागर दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हमारे जीवन में महत्व रखता है और हम कैसे इसकी रक्षा कर सकते हैं। विश्व महासागर दिवस समुद्र के अस्तित्व को बढ़ाने में मदद करता है और इस अद्भुत संसाधन को संरक्षित करने में मदद करने में अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। हम सभी इस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो हमारे आज का क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ 9 कर लीजिए। तो आज का जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है वो है, हाल ही में विश्व बैंक ने जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय की कितने करोड़ रुपये की केंद्रीय योजना अटल एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों कौन सी योजना है ये? तो अभी विश्व बैंक ने जल संसाधन एवं नदी किसान मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए की केंद्रीय योजना अटल भू जल योजना को मंजूरी दी। यहाँ पर आप लिख दीजिए अटल भू जल योजना, ये भू है, भू लिख गया है, अटल भू जल योजना को मंजूरी दी है, प्रदान की। तो दोस्तों ये जो कितने करोड़ रुपए की अटल भू जल योजना को मंजूरी प्रदान की, तो ये प्रदान की है 6,000 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा सा और बता दूँ तो जो विश्व बैंक ने है इसने जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय की 6,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय योजना अटल भूजल योजना को मंजूरी प्रदान की है। तो यहाँ पर 6,000 करोड़ रुपए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाता है। ये जो योजना है ये विश्व बैंक की सहायता के साथ 5 वर्ष की अवधि में लागू की जाएगी। ठीक है, और योजना का जो प्रस्ताव व्यय वित्त समिति द्वारा पहले ही अनुशासित किया गया है और मंत्रालय शीघ्र ही परियोजना के लिए कैबिनेट की मंजूरी मांगेगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस पॉइंट से संबंधित। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आ जाता है, ये तो ये हो जाएगा, हाल ही में वैश्विक शांति पुरस्कार 2018 से भारत ने 2018 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में भारत ने 136वां स्थान प्राप्त किया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिडनी ये जो शांति सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जो सूचकांक है ये सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जो है सूचकांक ये सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इसके अनुसार भारत जो है 2018 वैश्विक शांति सूचकांक में 163 देशों में 4 पायदान ऊपर चढ़कर 136वें स्थान पर पहुंच गया है। तो अब यहाँ पर जब 4 पायदान चढ़कर 136वें स्थान पर पहुंच गया है, तो इसका मतलब पिछले साल की जो रैंकिंग थी तो वो थी 140। ठीक है, और इसमें जो आइसलैंड है ये दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है और यह स्थान उसने वर्ष 2008 में प्राप्त किया था। ठीक, तब से वो कंटिन्यू आइसलैंड जो है दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। अन्य शीर्ष जो 4 देश हैं तो उसमें आता है आपका न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल और डेनमार्क। और यहाँ पर जो सबसे अशांतिपूर्ण देश है इस सूचकांक के अनुसार तो वो है सीरिया, जो कि विश्व का सबसे अशांतिपूर्ण देश है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस पॉइंट से संबंधित। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर अगला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है, हाल ही में राष्ट्रपति ने किस फल को त्रिपुरा का राजकीय फल घोषित किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अनानास को त्रिपुरा का राजकीय फल के रूप में घोषित किया गया है। किस फल को? अनानास को राष्ट्रीय फल के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं इन्होंने उदयपुर गोमती जिला त्रिपुरा में 128 किलोमीटर के पुनर्निर्मित अगरतला सब्रोम राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन भी किया है। ठीक है, और राष्ट्रपति ने उदयपुर में माता बारी मंदिर परिसर का भी दौरा किया है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज के इस करंट अफेयर्स से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप इसे दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि हमें भी थोड़ा सा मनोबल मिलता रहे और हम आपको इसी तरह के वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।